toes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ऑलराइट सो गाइज वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल. ओके सो गाइज बहुत टाइम हो चुका है मैंने कोई अपने तक व्लॉग नहीं बनाया, आप लोगों को पता होगा 1 वीक हो चुका है. ओके सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं. अरे यार फक, मतलब मेरी व्लॉग में क्यों हमेशा, इसलिए मैं साइड में आके हमेशा व्लॉगिंग करना प्रीफर करता हूँ इंट्रो खास करके. ओके तो आप लोग को याद होगा गाइज कि कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जो कि टाइड आई टी शर्ट के साथ था मेरा पोस्ट. तो उसमें से मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा था कि तूने जो ये टी शर्ट एक खास है भाई वगैरह परचेस वगैरह किया है. तो एक्चुअल मैं बताऊँ कि मैं वो परचेस कहीं से भी नहीं किया था, वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कस्टमाइज़ करके दिया था. एंड आज के ब्लॉग में हम लोग वही करेंगे. कि देखो मेरे को एक प्लेन टी शर्ट सबसे पहले बाय करना है जो कि मेरे को मिलेगा डी कैथलॉन में. आप लोगों को पता होगा कि मालाड के डी कैथलॉन में हर एक चीज़ मिलती है. देखो मालाड का जो डी कैथलॉन का ब्रांच है ना वो लेटेस्ट ब्रांच है, अभी जो न्यूली खुला है एकदम. सो हम लोग वहाँ पर चलते एंड देखते हम लोग को प्लेन टी शर्ट लेना चाहिए या ब्लैक लेना चाहिए. क्योंकि देखो जितना वाइट रहेगा ना टी शर्ट उतना मतलब अच्छे से कस्टमाइज़ होगा, एंड जो अगर ब्लैक रहेगा तो वो फोटो प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि फोटो प्रिंटिंग के ऊपर भी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, बट यहाँ पे मेरे को कोई अच्छी शॉप नहीं मिली फोटो प्रिंटिंग के लिए. मेरे एरिया में कहीं भी शॉप नहीं थी फोटो प्रिंटिंग की. सो मैंने सोचा कि पहले हम लोग डाई टी शर्ट का बना लेते, टाई डाई का ब्लॉग बना लेते, उसके बाद फोटो प्रिंटिंग का ब्लॉग बना लेंगे. एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया गाइस कि हमारे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच कॉज इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए हमेशा एंड हमेशा मेरे ब्लॉग के ऊपर. थैंक यू सो मच गाइस बिकॉज एज अ बिगिनर किसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मेरे को मिला है, आप लोगों ने जितना मेरे को सपोर्ट दिखाया है. तो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन. एंड ऐसे हम लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मैं ऐसे ऐसे यूनिक कंटेंट डालते जाऊँगा अपने ब्लॉग में. सो अभी यहाँ से निकलते बिकॉज अभी बारिश का मौसम हो रखा है, तो बहुत बारिश होने वाली है देख के तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है. एंड वाटरफॉल के ब्लॉग भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे. आप लोगों को पता है जब बारिश होती है तो हम लोग कितने चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करते जो कि अनएक्सप्लोर्ड होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं अभी डी कैथलॉन बिकॉज अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 12 है 1 बज चुके हैं. सो यहाँ से निकलते एंड चलते हैं, देखते हैं भाई तो टेम्पो वाला बहुत आवाज़ कर गया, आई डोंट नो आप लोगों का आवाज़ आएगा कि नहीं पीछे. सो यहाँ से भी निकलते एंड देखते हैं. मेरे यहाँ से एक 454 बस नंबर भी है जो कि जाती है इनऑर्बिट एंड इन्फिनिटी के बाजू में जस्ट डी कैथलॉन है. सो अभी निकलते एंड देखते. सो लेट्स गो. मैं पहुंच चुका हूँ जो इन्फिनिटी मॉल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज है गाड़ियों का. बहुत ज्यादा आवाज है, मेरी आवाज कुछ भी नहीं आती रहेगी गाइस. मैं आप लोगों को अभी जो डी कैथलॉन के बाहर जाके मिलता हूँ, बहुत ज्यादा आवाज है यहाँ पर. ओके सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ डी कैथलॉन के बाहर. भी आप लोगों को दिखा दूँ कि कहाँ पर है डी कैथलॉन. आप लोगों को इन्फिनिटी मॉल तो पता होगा ना गाइस, तो उसके बाजू में ही जस्ट डी कैथलॉन आप लोग देख सकते हो. पीछे ये मेरे डी कैथलॉन एंड बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचने के लिए. सो अभी अंदर चलते एंड देखते हैं कि अगर कोई अच्छा कलेक्शन आया होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा. बाय द वे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है गाड़ियों की. सो अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं अगर कुछ अच्छा कलेक्शन भी आया रहेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. स्पोर्ट्स के रिलेटेड हर एक चीज़ जो मैंने बाकी डी कैथलॉन में नहीं देखी हो अगर यहाँ पर मिलती तो आप लोगों को दिखा दूँ. सो फिलहाल ट्रैफिक देखो पीछे बहुत है. सो निकल गया अंदर. एज़ यू कैन सी यही है मालाड वाला डी कैथलॉन. सो अभी अंदर चलते हैं एंड सबसे पहले हम लोग टी शर्ट ढूंढते हैं वाइट वाला. ओके सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा है एंड ये डी कैथलॉन का फर्स्ट फ्लोर है एंड ऊपर भी और एक फ्लोर है जैसे हर एक डी कैथलॉन में था. तो मैं भी आप लोगों को देखता हूँ कुछ नीचे अपडेट आया रहेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा. भाई देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेर है एज यू कैन सी. तो फिलहाल तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये डी कैथलॉन. यहाँ पर जो सीढ़ी है ना गाइस आप लोगों को दिखा दो. वेट बहुत चालू है कि नहीं आई डोंट नो. मेरे को ऐसा लग रहा था बंद है बट स्टार्ट हो चुकी है फाइनली है. एंड देखते हैं ऊपर हम लोग को जो चाहिए पहले वो लेते हैं एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ अपडेट आया रहेगा तो लेट्स गो. ओके सो गाइस मैं बहुत टाइम से वाइट टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर बट मेरे को मिल रहा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है. एंड आप लोगों को याद होगा ये टेबल टेनिस हम लोग पिछले डी कैथलॉन में खेल रहे थे जो कि था अंधेरी का. बट यहाँ पे देखते हैं मैं जो टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ मेरे को मिलेगा कि नहीं. और मैंने अभी जस्ट एक बंदे को पूछा
तो उसने मेरे को गाइड किया कि यहाँ पर है करके। सॉरी ये तो स्पोर्ट्स का कंटेंट है, यहाँ पे सब हम लोग जो ढूंढ रहे हैं प्लेन कॉटन का वाइट टी शर्ट थी हम लोगों, एंड मेरे को मिल चुका है गाइस। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैम से। तो एज यू कैन सी मेरे को मिल चुका है, यहाँ पर लिखा भी है सॉफ्ट वील ऑफ 145 प्योर जर्सी कॉटन मिल चुका है मेरे को। सो अभी मेरे को इसमें साइजेस देखने पड़ेंगे जो कुछ भी रहेंगे, एंड मेरे को मीडियम या फिर लार्ज साइज चलेगा। तो मैं आप लोगों को साइज़ ढूंढने के बाद मिलता हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा आई गेस टाइम लग सकता है, तो मेरे को व्लॉग को मूवी नहीं बनाना है, तो मैं आप लोगों को साइज़ ढूंढने के बाद मिलता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने टी शर्ट ले लिया है एल साइज़ का, बिकॉज मैंने एम देखा था वो मेरे को थोड़ा छोटा हो रहा था, एंड यहाँ पे मैंने ब्लू वाला टी शर्ट पहना है। तो जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं मेरे को डीकैथलॉन का जो स्टाफ्स होते वो समझ रहे, बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं यहाँ पे जॉब वॉब नहीं कर रहा, मैं अपना कंटेंट बनाने आया हूँ। तो देखते हैं, मैंने ये टी शर्ट ले लिया है, सो अभी यहाँ से निकलते थोड़ा एक्सप्लोर करके जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखा दो। यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ें मेरे को देखने के लिए मिल रही है, आप लोग देख सकते हो मेरे आगे पीछे बहुत ठीक ठाक है, मतलब इतना भी लो क्वालिटी नहीं है बट बहुत सही क्वालिटी। मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूँगा, अगर बारिश के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो क्रॉप्स वगैरह बहुत सही सी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। सो अभी टी शर्ट मैंने ले लिया, सो अभी यहाँ से निकलते थोड़ा एक्सप्लोर करके मैंने बताया जस्ट आप लोगों को। सो आप लोग ब्लॉग देखते रहो आगे तक, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके सो यहाँ पे क्रॉक्स मेरे को देखने मिले, बिकॉज बारिश है तो आप लोग बाय कर सकते हो डीकैथलॉन से, अच्छे क्वालिटी के, एंड इसका प्राइस 800 है 799, तो आप लोग ये बाय कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी का है। पंच बैग भी है इधर बॉक्सिंग वाली, एंड उसके जो ग्लव्स होते हैं बॉक्सिंग के वो भी है। ये मैंने आई गेस वो वाले डीकैथलॉन में नहीं देखा था, होगा बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इसमें मेरे को दिख चुका है। ये टेनिस का बॉल देखो रेड एंड ग्रीन में, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई कलर का बॉल, लाइक मिक्सचर है रेड प्लस ग्रीन का। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ओके सो फाइनली इसकी बिलिंग हो चुकी है, टी शर्ट की है मेरे को पड़ा 159 में। सो अभी घर पे चलते हैं मेरे फ्रेंड के, एंड वहाँ पर ये टी शर्ट के साथ कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं जो कुछ भी रहेगा। एंड आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि लाइक इसके जो कलर्स है हम लोग जो टाइडा में यूज़ करने वाले इसको लाइक कस्टमाइज करने में, तो इसके कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे गोरेगांव स्टेशन या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन भी मिलते हैं इसके कलर। एक कलर की प्राइस कुछ 10 रुपीज़ है, तो आप लोग वहाँ से भी मंगा सकते हो। सो अभी ये टी शर्ट मैंने ले लिया, अभी सो चलते हैं घर पे मेरे फ्रेंड के, एंड वहाँ पर कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते, तो अभी मैं वहाँ पर आप लोगों को मिलता हूँ मेरे दोस्त के घर पर जाके। सो आप लोग यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बस इतना ही, अभी चलता हूँ उसके घर पर एंड स्टार्ट कर देते जो कुछ भी टी शर्ट के साथ रहेगा। एंड यहाँ की जो बिलिंग सिस्टम है बहुत यूनिक हो चुकी है, लाइक बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, आप लोगों को मैं दिखाना भूल गया। सो फॉज मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, तो अभी चलते गाइज, बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ आज, सो निकलते। सो फाइनली मैं अपने फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, एंड आप लोग ने टी शर्ट तो देखा रहेगा जो कि एल साइज का था, एंड ये मेरे पीछे फ्रेंड बैठा है यही कस्टमाइज करता है सारे टी शर्ट, इसके पास बहुत सारे कलेक्शन पड़े घर पे, तो आप लोग वो थोड़ी देर बाद दिखा दो। पहले आप लोग ये सिनेमेटिक देख लो लाइक इसको कैसे डाई करते टी शर्ट को, तो उसका आप लोगों को मैं सिनेमेटिक डाल दूंगा नीचे, आप लोग देख लो वीडियो में, सॉरी, तो आप लोग देखो सिनेमेटिक। यू कैन सी ये जो पाउडर कलर है ये डाई के लिए यूज़ होते हैं, एंड ऐसे बहुत से कलर्स आप लोग ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो हम लोग इसमें से देखते जो कलर हम लोग को पसंद आएगा हम लोग यूज़ करेंगे, एंड इसके रिजल्ट आप लोग को एंड में दिखेंगे। सो अभी टाइम लैप्स देखो एंड बताओ मेरे को कैसा लगा। देख सकते हो इसका रिजल्ट बहुत सही से कलर बैठा है टी शर्ट के ऊपर, नॉर्मली जो पाउडर कलर थे, एंड बैक पे भी देख सकते हो। सो ये सारा काम इसने किया है, तो आप लोग अगर किसी को करना हो तो आप लोग डीएम कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो और बाकी के टी शर्ट भी आप लोग देख सकते हो इसने बहुत से करके रखे। ये सारे ऐसे टी शर्ट है, तो आपको बाय करना है तो आप लोग जाके डीएम कर सकते हो, बहुत सारे टी शर्ट्स हैं वो रेड ब्लैक में ही है। ओके सो आई होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा, डूड एंड पसंद आ रहेगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, तो जाओ जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कलर्स के बारे में, कलर्स आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, एंड इस बंदे ने मेरे को बहुत मदद की है लाइक डाई टी शर्ट वगैरह करने में, क्योंकि मेरे को 1% भी नहीं आता डाई करने के लिए, इसमें हर काम इसी से ही करा था, अगर मेरे को टी शर्ट वगैरह कस्टमाइज कराना हो तो। सो जाओ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड इसके पेज को भी फॉलो करो जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ एंड
चलते हैं एंड मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे अपने डोप व्लॉग्स आते रहेंगे हमारे चैनल पे जैसे हमेशा आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।